कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे युवक और पुलिस के बीच हुई झड़प। पुलिस ने युवक के साथ मारपीट की। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के गुना में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ धरना दे रही थी। इसी बीच धरना स्थल पर एक युवक व पुलिस के बीच विवाद हो गया, जिस पर पुलिस ने युवक के साथ मारपीट की। उसके बाद युवक पुलिस की गिरफ्त से छूटकर भाग गया। ग्वालियर सब इंस्पेक्टर दीपक गौतम पर प्रदर्शन के दौरान जलता हुआ पुतला फेंकने के आरोप में जेल में बंद एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष शिवराज यादव से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मिलने जेल पहुंचे। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देश के हर नागरिक को है, उसमें झूठा प्रकरण बनाकर निर्दोष फंसाया गया है। मैं इसकी निंदा करता हूं। उच्च न्यायालय से दिग्विजय सिंह ने शिवराज यादव को जमानत देने की अपील की है। मुझे इस बात का दुख है कि जो सामान्य विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार हर देश के नागरिक को है, उसमें झूठा प्रकरण बनाकर और हमारे एनएसयूआई के छात्रों को जेल में बंद कर रखा है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। 10 साल तक मैं भी मुख्यमंत्री रहा, एक उदाहरण बता दो उस तत्कालीन भाजपा या संघ या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसे प्रकरण में किसी नुकसान हमने नुकसान पहुंचाया। ये दमन की राजनीति अंग्रेजों की नहीं चली तो उनकी क्या चलेगी। हम इसका डटकर विरोध करेंगे और हमारा ये लड़का यादव हमारा एनएसयूआई का अध्यक्ष है, हम इस पूरे परिवार के साथ हैं और माननीय उच्च न्यायालय से हमारी यही प्रार्थना है कि उसे न्याय दें। इसके ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं है, कोई हीनियस क्राइम नहीं है। अब इस प्रकरण में भी ये तो आग बुझाना था, उसमें ये जो दुर्घटना हो गई हमें इसका दुख है। और हमारे पुलिस अफसर एक नए नौजवान हैं, उनके साथ जो घटना हुई हमें बहुत दुख है, लेकिन ये कोई उनको जलाने का प्रयास नहीं था, ये एक्सीडेंट था। प्रदेश में जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव देखने को मिल रहा है, खरगोन में हिंसा हुई। दतिया जिले में जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव के द्वारा लाइव प्रसारण जन चौपाल लगाकर सुना गया। एम भांडेट तहसील के अंतर्गत ग्राम भरोली में जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव एवं साथ में ग्रामीण जन एम भांडेट विधायक के साथ पूजा अर्चना कर जल अभिषेक अभियान का शुभारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है, पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिले में एक साथ हुआ है। इसी तरह दतिया जिले में कुल 503 संरचनाओं का भी एक साथ शुभारंभ किया गया है, जिसके लागत है 18 करोड़ 30 लाख, जिसके अंतर्गत अमृत सरोवर 102 हैं जिनकी लागत है 13 करोड़ 26 लाख, और पुष्कर सरोवर हैं जिनकी संख्या 168 संख्या है, इनकी लागत है 3 करोड़ 36 लाख, और अन्य छोटी छोटी जल संस्थाएँ हैं जिनकी संख्या है 235 और लागत है 1 करोड़ 68 लाख। इस प्रकार 503 जल संस्थाओं का और जिनकी लागत है 18 करोड़ 30 लाख का शुभारंभ किया गया है माननीय मुख्यमंत्री मोदी द्वारा। हमारा विजय सारे ग्रामीण को सारे ग्राम पंचायत में उनका उद्बोधन का वाचन हुआ है, सभी ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री के भाषण को सुना गया है। सर, आपके द्वारा आज कहां शुरुआत करके? मेरे द्वारा भांडेर जनपद की 2 ग्राम भरोली में 2 तालाबों का शुभारंभ किया गया है और दलपतपुर में 1 तालाब का शुभारंभ किया गया है, जिसमें माननीय विधायक महोदय भी थे, शिव जनपद भी थे और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी साथ में थे। थैंक यू। शिवपुरी के पिछोड़ थाना अंतर्गत ग्राम नया गांव गचोरा में रविवार की शाम एक हृदय विदारक घटनाक्रम में 2 सगी बहनों की जिंदा जलकर मौत हो गई। दोनों बच्चियों के शव भूसे के ढेर में से निकाले गए, जबकि 2 बच्चों को ग्रामीणों ने सकुशल बचा लिया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। कहाँ गए भैया? क्या हो गया? आग लग गई चपरी में तो 2 बच्चे जल गए। कैसे लग गई आग?
अचानक ना जाने दो तीन बच्चे खेल रहे थे, हाँ कोई तार मार कर लग गई हो, ये पता नहीं अभी काय से लगी है, कभी काय से लगी, वहाँ कोई बड़ा आदमी था नहीं। अच्छा फिर किसकी थी टपरिया? टपरिया इन हमारी ही थी, मतलब क्या क्या नाम तुम्हारा? हम पड़ोसी हैं, जो इनकी हतीजे करतार सिंह। क्या नाम? करतार सिंह। करतार सिंह वही थी टपरिया, तो पता नहीं चला आग काय से लग गई। तो क्या रखा था उसमें, सामान क्या रखा था? भूसा। भूसा जल गया है, तो बच्चियां वहाँ खेल रही थी, दोनों बच्चियां, ये आधी खाली आधी थोड़ी। तो कितने बजे लगी ये? अभी 4:05। 5 बजे ये कहाँ जल गई बच्ची? ये बच्ची है निकाल ली दो बच्चे, ये दोनों निकाल ली, बाकी की कहाँ है? बाकी की दो टपरिया में छुप गई, उनको देख नहीं पाई, फिर अंदर छुप गई, जल गई वो, हमको जले चुकी जब तक आग आपों से बाहर हो गई। के रावतपुरा सरकार स्कूल में खो खो एवं कबड्डी का आयोजन जय हिंद स्पोर्ट्स क्लब एवं खेल संघ द्वारा रखा गया है, जिस कबड्डी एवं खो खो प्रतियोगिताओं का समापन आज किया गया। उन सभी बच्चों को फल का वितरण किया गया, इसमें बनघंटी ब्लॉक के कई खिलाड़ी उपस्थित हुए। प्रतियोगिता में खेल संघ के अध्यक्ष राजेश स्वामी, खेल समन्वयक देवेंद्र उरहा, स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष नीरज बाथरे, प्रभात पटेल, साहिल खान, राजकुमार पाली, सचिन बाथरे, आकाश मेहरा सहित बहुत से लोग मौजूद थे।